नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस स्टॉक चैनल में, अब जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग, सॉरी अपने इस यूट्यूब चैनल में। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं तो बोलने में थोड़ा सा कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया। एनीवे, तो आज मैं बात कर रहा हूं टाटा टेली सर्विसेज के ऊपर। मैं कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बल्कि इसके अंदर जो ये काफी दिनों से लोअर सर्किट लग रहा था और काफी लोग पैनिक थे, उनके लिए गुड न्यूज है, तो वो मैं न्यूज शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। और मुझे लगा कि ये न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हालांकि मैंने TTML को कभी भी अपने चैनल पे रिकमेंड नहीं किया था और ना ही कभी इसके बारे में कोई बात की, लेकिन आज बात करना बनता है क्योंकि वैसे लोग जो इसके अंदर काफी निवेशित थे ऊपर के लेवल पे, वो लोग बेचारे फंस गए थे और काफी पैनिक हो रहे थे, तो उनके लिए शायद राहत भरा एक समाचार हो सकता है। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाटा टेली सर्विसेज जो है ये इसने 291 रुपीज का हाई बनाया था, और वहां से जो न्यूज हम लोगों को सुनने को मिला कि भाई टाटा ने जो है वो अपना जो AGR का ड्यू था, जो इंटरेस्ट था, उसका कन्वर्जन कर दिया है, इक्विटी में करने जा रही है, गवर्नमेंट जो है सो उसके अंदर होल्डिंग ले रही है, और जो शेयर प्राइस है वो 41-42 रुपीज के आसपास उसको इवेल्युएट किया गया है। तो उस न्यूज के बाद से अगले दिन से ही लगातार जो है वो मार्केट गिरना शुरू हो गया था, और आप देखिए कि और तब से लगातार लोअर सर्किट में है, और आज देखिए कि आज भी जो है ये 142 रुपीज पे जो है ये स्टॉक जो है ये क्लोज हुआ है। मगर आज मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, आज टाटा ने एक न्यूज जो है वो दिया है, और ये जो न्यूज जो आई है मैं बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन, ये 4:15 बजे के आसपास यानी 4:18 पर टाटा ने ये न्यूज दिया है, और उन्होंने एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन दिया है एक्सचेंज को, और उसमें टाटा ने ये कहा है कि इन्होंने जो ऑप्शन दिया था जो टू ऑप्ट फॉर डिफरमेंट, डिफरमेंट का मतलब होता है मोहलत, यानी जो AGR से मोहलत के लिए इन्होंने जो ये एक प्रपोजल जो इनको मिला था, जो इन्होंने उसके ऊपर जो है सो लगभग एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो उसमें ये था कि जो इंटरेस्ट है AGR का वो इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट वो इनको नहीं देना पड़ेगा, उसके बदले में ये गवर्नमेंट को इक्विटी दे देगी कंपनी, और इनका जो है वो इंटरेस्ट वो फिर नहीं देना पड़ेगा। तो टाटा ने यहीं पे मतलब जो TTML ने जो नोटिफिकेशन दिया है सेबी को, तो सेबी को उन्होंने ये लिखा है, ये आप देखिए आज का है 1 फरवरी का, BSE और NSE ये दोनों को इन्होंने दिया है स्क्रिप्ट सिंबल TTML, और इन्होंने दिया है आप इस सब्जेक्ट में देखेंगे ऑप्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड AGR ड्यूज इनटू इक्विटी शेयर अपडेट, यानी उस पर इन्होंने अपडेट दिया है। उस पर इन्होंने लिखा है कि विथ रेफर टू द अर्लियर कम्युनिकेशंस डेटेड October 29, 2021 अटैचमेंट 1, यानी कि इन्होंने इसमें अटैचमेंट भी लगाया है जो 29 को अक्टूबर को जो इन्होंने सेबी को इन्फॉर्म किया था, एंड जनवरी 11 और जो 11 जनवरी को भी सेबी को मतलब एक्सचेंज को बताया था उसका भी इन्होंने अटैचमेंट लगाया है, इन कनेक्शन विद द लेटर डेटेड October 14, 2021 इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट को जो लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इनको जो ऑप्शन दिया गया था, दो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ AGR रिलेटेड ड्यूज बाय ए पीरियड ऑफ 4 इयर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, एंड द ऑप्शन ऑफ पेइंग इंटरेस्ट फॉर द 4 इयर्स डिफरमेंट ऑन द डिफर्ड AGR ड्यूज, करने का मतलब है कि या तो ये आप जो है सो ड्यूज पे कर दीजिए या फिर आप जो है सो उसको कन्वर्ट कर दीजिए उसका जो इंटरेस्ट है उसको इक्विटी में। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है जो मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, उसमें इन्होंने ये लिखा है देखिए यहाँ पे कि द नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV ऑफ दिस इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रोक्स ₹850 करोड़ एज पर द कंपनीज बेस्ट एस्टिमेट्स सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात किया है कि इन्होंने जो 29 अक्टूबर को जो लेटर दिया था सेबी को, उसमें इन्होंने बताया था कि भाई हमारे अकॉर्डिंग जो इनका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो 850 करोड़ होता है, ये हमने एस्टिमेट किया है और इसको भी कंफर्म कराना है डॉट से यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, हमने उनको भी बोला हुआ भाई आप भी कैलकुलेट करो, और जो एवरेज प्राइस जो है कंपनी का शेयर का वो प्राइस जो है 41.50 रुपया निकलता है।
एज पर द कैलकुलेशन मेथड प्रोवाइडेड इन द डॉट कम्युनिकेशन वर्क्स आउट टू बी इतना 41.50 रुपया यानी 41 रुपीज एंड 50 पैसे पर शेयर एंड सब्जेक्ट टू फाइनल कंफर्मेशन बाय द डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि अभी फाइनल जो है ये कंफर्मेशन मिलना है डॉट से, ये इन्होंने यहाँ पे कहा था। और साथ ही साथ इन्होंने यही कहा, ये भी कहा था कि फॉलोइंग कन्वर्जन, जो कन्वर्जन होगा उसमें इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा आशा किया जाता है दैट द गवर्नमेंट विल होल्ड अप्रोक्स 9.5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी टीटीएमएल के जितने भी टोटल शेयर्स हैं उसका 9.5% जो है वो गवर्नमेंट होल्ड करेगी, ठीक है। ये इन्होंने उसको बताया था, दो चीजें बताई थी कि 850 करोड़ रुपया हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकलता है जो हमें देना है गवर्नमेंट को, और जो शेयर का जो प्राइस है वो 41.50 रुपया वो हमने जो वैल्यूएशन किया है, कैलकुलेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग निकलता है। अब इसके अंदर जो है सो अपडेट क्या है, इसके अंदर अपडेट कंपनी ये दे रही है कि द कंपनी कम्युनिकेटेड द अबव डिसीजन टू डीओटी, उसको इन्होंने जो है सो कम्युनिकेट किया है। द डीओटी इन रिस्पॉन्स हैज इनफॉर्म द कंपनी, यानी डीओटी ने कंपनी को बताया है दैट द एनपीपी ऑफ द इंटरेस्ट विच इज एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इन टू इक्विटी इज ओनली ₹195.22 करोड़ एज अगेंस्ट कंपनीज कैलकुलेशन ऑफ 850 करोड़, यानी कंपनी ने जो 850 करोड़ का जो कैलकुलेशन किया था तो उसके हिसाब से कन्वर्जन जो है वो सिर्फ 195 करोड़ का ही बनता है, मतलब डॉट ने इनको बताया है। तो अब क्या है कि पहले ये पूरा का कन्वर्ट कर रहे थे, अब इनको 195 करोड़ का ही इनको कन्वर्जन करना पड़ेगा। एज द इंटरेस्ट अमाउंट एलिजिबल फॉर कन्वर्जन इज मच लेसर देन द एक्सपेक्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय द कंपनी, ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल जो इंटरेस्ट अमाउंट जो कन्वर्जन के लिए होता है वो होता है वो बहुत कम होता है, उतना नहीं होता है जितना कंपनी ने कैलकुलेट किया था। The board of directors of the company in its meeting held on February 1st, यानी आज जो मीटिंग हुई, has decided to withdraw the desire expressed for conversion and inform DOT that the company is not desirous of opting of conversion of interest into the equity. ये आपके लिए खुशखबरी है। कंपनी यहाँ पे ये बोल रही है कि आज यानी 1st February को जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें हमने डिसाइड किया है कि हमने जो इच्छा जाहिर की थी, जो एक्सप्रेस किया था अपने डीआर को कि भाई हम अपने इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर में, वो हम अब विड्रॉ कर रहे हैं, वो ऑप्शन अब हम नहीं लेकर के चल रहे हैं, यानी कि अब हम कोई भी इक्विटी नहीं देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट का कन्वर्जन नहीं करेंगे। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर टीटीएमएल रिटेल इन्वेस्टर्स और ऑल इन्वेस्टर्स। ये कंपनी और कंपनी ने कहा कि काइंडली टेक द सेम ऑन द रिकॉर्ड। बाकी इसके अलावा तो ये लेक्चर वन वगैरह आप अटैचमेंट वन देख रहे हैं जो इन्होंने 29 अक्टूबर को दिया था कंपनी को, उसके अलावा फिर जो 11 जनवरी को इन्होंने जो फिर दोबारा बताया था कि हाँ भाई 41 रुपीज पे जो है वो हमने 41 रुपीज 50 पैसे पे जो है हमारा इवेल्युएशन निकला है और उसके अकॉर्डिंग हम जो है सो शेयर देंगे, ये वाली बात हुई है। तो अब देखिए अब इसमें क्या है कि अब ये देखना है कि अब इसका स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि अब क्या है कि सरकार इक्विटी ले रही थी, हिस्सेदारी ले रही थी, तो इसका स्टॉक पे असर नहीं पड़ा था कि जो है इसके स्टॉक कुछ शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास ले जाएंगे। एलसी इसलिए लगा था क्योंकि कंपनी ने जब खुद ही बोल दिया कि भाई मेरा जो शेयर प्राइस है उसका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन 41 रुपीज 50 पैसे है, ठीक है। तो जब इसने ये बोल दिया कि वैल्यूएशन 41.50 रुपया है तो शेयर जो था वो तो 290 रुपया के आसपास ट्रेड कर रहा था, यानी कि वो ओवर प्राइस लोगों को लग रहा था और वहां से ये गिरना शुरू हो गया। तो अब ये जो न्यूज आई है कि सरकार हिस्सेदारी नहीं ले रही है और इनको कन्वर्जन के लिए कम पैसा देना था, इसलिए ये जो मतलब सरकार सॉरी ये लोग सरकार को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं यानी इक्विटी नहीं दे रहे हैं, और जो कन्वर्जन में जो इन लोगों ने 850 करोड़ किया था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कम होकर के 195 करोड़ का जो है इनके ऊपर बनता है कन्वर्जन के लिए, और कंपनी अब उसको नहीं देगी, ठीक है। अब ये इन्होंने बोल दिया तो अब क्या है कि आपका थोड़ा सा मोमेंटम तो बनेगा, लेकिन अभी भी शेयर का जो इवैल्यूएशन है प्राइस का वो 41.50 रुपया है,
तो अभी भी इस प्राइस में जो है वो देखा जाए तो ये ओवर वैल्यूड हो जाता है। अभी भी ये जो मैंने आपको बताया कि इसका जो प्राइस चल रहा है वो आप देखिए कि 142 रुपया चल रहा है, यानी 100 रुपया ज्यादा चल रहा है। तो उस हिसाब से लोगों को ये लग सकता है कि भाई अभी ये ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है, थोड़ा सा और नीचे आए तो हम लें। लेकिन पहले जिस तरीके से पैनिक वाली स्थिति थी अब उतनी पैनिक वाली स्थिति नहीं है। पहले जितना लेट से रिवर्सल मारता है अब उतना लेट रिवर्सल नहीं मारेगा। और आपको यह भी पता है कि अगर इसका मान लीजिए क्या हो गया, मतलब 41.50 रुपीज एक तरह से बुक वैल्यू आप मान लो इसको, अगर कंपनी बोल रही है कि भाई मेरा शेयर का इतना वैल्यू बनता है तो आप उसी तरीके से मान लो, हालांकि एक्चुअल बुक वैल्यू नहीं होता है लेकिन आप मान लो। तो कभी भी जो एक्चुअल प्राइस होता है शेयर का, शेयर कभी भी अपने एक्चुअल प्राइस पर ट्रेड नहीं करता है, अपने एक्चुअल प्राइस से ऊपर के प्राइस पे ही ट्रेड करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि शेयर नीचे गिरते गिरते शेयर प्राइस जो है वो 41-50 आ जाएगा या 42 रुपए आएगा तब रिवर्सल मारेगा, नहीं, रिवर्सल ये पहले से ही मारेगा। तो मैं तो उम्मीद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये रिवर्सल जो है 2-4-5 सेशन के अंदर ही मार दे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लोगों का काफी पैसा इसके अंदर जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया था उनका फंस गया है। बाकी मैं इसके अंदर कोई आपको सेल या बाई का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, और आप जो है वो इसके अंदर मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है इसको खुद से भी एक बार जो है सो कंफर्म कर दें, वैलिडेट कर लें, और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा, बीएससी के साइट पे अवेलेबल है ये। तो उसके अनुसार जो है आप जो बहुत ज्यादा पैनिक थे जो इसके इन्वेस्टर हैं, अब ये एक अच्छी खबर है तो इससे आपको थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। और ये जो है मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए एक नॉलेज शेयर किया है, बाकी मैंने कोई सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं दिया है इसमें। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।